आज है 11 रबी अव्वल और रात में सारा वो माहौल बना होगा 12 रबी अव्वल का, रसूल की आमद का, जो कि मैं सारे मनाजिर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और मेरी बच्ची जो है वो हमेशा की तरह जाएगी घर, क्योंकि दादा रश में मैं दानिश को लेकर नहीं जाती। दानिश साहिबा जब वो मेरी शक्ल देख रही अम्मा फिर मुझे कटा रही है लेकिन क्या करें, उसने कहा जाओ मैंने देखना ही नहीं है, मैं नज़ारे देखूँ वो बेहतर है। तो गाइस बस अब मैं पहुँचने वाली हूँ, वहाँ से मुझे ऑन बस उठाएगा और मैं जाऊंगी सारे नज़ारे करने के लिए दानिश जाएगी घर। गाइस मेरा देखकर दिल बहुत खुश हो गया कि अल्लाह के प्यारे महबूब के लिए कितनी प्यारी प्यारी गलियां इन लोगों ने सजाई हुई थी। मैं ख़ास तौर पर देखने के लिए ये निकली थी और लोग भी कितने जोश व खरोश में ये सब देखने के लिए और रसूल की विलादत मनाने के लिए निकले हुए थे। तो भाई फाइनली हम आ गए हैं ऑन भाई के घर। और ऑन भाई कैसे हैं आप? गाइस अभी आप लोगों को पता है बहुत सारी खुशियाँ जो है ना वो एक साथ आने वाली हैं। आप बस चेहरे पे नूर देखें, शाइन शाइन क्यों हो रही है भाई, वैसे ये क्यों इतना शाइन क्यों है? वैसे पता चलेगा आपको कुछ दिन बाद, बस कुछ दिनों बाद हम जरूर आपको बताएंगे। अभी हम लोग जो आए हैं वो आए हैं 11 रबी अव्वल की रौनकें देखने, जो कि मुझे ये भाई दिखाएगा मेरा, है ना, जबरदस्ती है ना, जबरदस्ती गई होंगे। शर्मा क्यों रहा तुम इतना, अभी तो माइयों नहीं बैठ रहे, पीला पहन के बैठे, इट डजंट मीन गे। मैं तो उसी दिन से बैठ गया जब डिसाइड हुआ था। चलो भाई गाइस अब मैं जा रही हूँ रौनकें फाइनली देखने, तुम लोग भी मेरे साथ आए। मेरा ये मानना है कि अकीदे अकीदे की बात होती है और किसी के अकीदे में हम कुछ नहीं बोल सकते। किसी ने रसूल अल्लाह के नाम पर लंगर के लिए गाय ज़िबा की हुई थी और कोई किसी ने गलियों को सजाया हुआ था। मेरा दिल देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि ये रात के 3 बजे के मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं किस तरह आवाम निकली हुई थी जश्न ईद उल मिलादुन्नबी बनाने के लिए। किसी ने मस्जिद नबी की मंजरकशी की हुई। मैं इलाके की कई जगहों पर गई जैसे कि जिन्ना स्क्वायर के ये मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कितनी आवाम निकली हुई है और किस दिल से जश्न मना रहे थे कि मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला वाह क्या शान है रसूल आपकी, और मेरे मुंह से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि अल्लाह ने सिखाई मोहब्बत रसूल की, फिर नाम है जहाँ भी खुदा का वहीं नबी, वो कलमा हो अजा हो या कोई हमद ही महमूद के बगैर ना पूरा हुआ कभी। और ये कुछ मनाजिर हैं जहाँ पे मैं खुद देख रही थी कि कितना प्यारा इन्होंने सजाया हुआ था, दिल खुश हो गया। This is Fatma Jafri and welcome back to another vlog. आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 12 रबी अव्वल है और बहुत नेक दिन है। अच्छा एक और बात मैं साथ साथ करती चलूँ कि हमारी यहाँ मतलब के शियों में जो रसूलुल्लाह की विलादत है वो 17 रबी अव्वल को मनाई जाती है और बाकी जगहों पर 12 रबी अव्वल को मनाई जाती है, लेकिन हमारा ये कहना है हम कभी भी डेट्स पे इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि ये पूरा महीना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और पूरा महीना ही खुशियां मनाने वाले हैं। तो हम क्या इस बात पर बहस करें कि इस दिन पैदा हुए थे या उस दिन, ज़रूर बात यह है कि खुशी तो कम से कम मना रहे हैं ना रसूल के आने पर, इनकी मोहब्बत में सारा जहान बना है। तो अभी ये है कि आज का दिन ऐसा है कि मैं आई हुई हूँ ऑन भाई के घर पे और हम लोग अभी देखने जा रहे हैं जो सजावट जुलूस वगैरह है वो सब, तो आप लोग हमारे साथ रहेगा और मेरी पिद्दू जो कर रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी ये पिद्दू जो है वो सो रही है। पिद्दू ये नहीं, आप सोए आप सोए आप। 12 रबी अव्वल के आप मनाजिर देख सकते हैं और मेरे दिल से बेसाख्ता मेरे लिखी हुई हमद के कुछ जुमले याद है। मक्के की सरजमीन पुकारी ये मरहबा, ये सोच सोच आता है हर बार हौसला, राहें मचल रही थी जिसे देख कर यहाँ, उतरा वो मेरे सीने पे सरदारे दो जहाँ, उनके कदम से दौर की वहशत तमाम शुद्ध, लालच गुनाह जुल्म की वहशत तमाम शुद्ध, करते रहे वो इल्म का प्रचार मरहबा, नूरे खुदा ए इल्म के मयार मरहबा, क्या शान है रसूल का किरदार मरहबा, कहते थे ज़ोर ज़ोर से कुफार मरहबा, फातिम फिर उस रसूल की क्या शान हो बयां, कहते हैं अपी साहिब किरदार मरहबा। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे खामोश ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने मनाजिर को रिकॉर्ड किया और वीडियो को म्यूट कर दिया। आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि रसूल अल्लाह के नाम पर लोग कितना खिला रहे हैं और मैंने यहाँ पर देखा कि इमाम हुसैन के नाम की भी सभी लगाई हुई कि मुझे अचानक से रसूल का एक कॉल याद आ गया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो
गाइस हम लोग पूरे दिन घूमते रहे, सारी रौनकें और सब कुछ देखते रहे वॉइस ओवर पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अभी बारी है हमारी कुछ बांटने के लिए, जिसमें से अभी मैं लेके आई हूँ, ये है क्या है, ये बालूशाही। बालूशाही जो है वो बाबा पैक कर रहे हैं, कुछ डब्बों में है, कुछ लिफाफों में है। ये हम बांटेंगे अभी अपने गली कोने पर जाके, और देखते हैं ज़्यादा चीना चपटी ना हो। मुझे ना डर लग रहा है क्योंकि मैं रोडों पर यही देखती हुई आई हूँ, बस अच्छे से हो जाए, क्योंकि भाई रसूल अल्लाह की आमद है। मैं जैसे कि आपको बोला 17 भी हमारी है, 12 रबी अव्वल भी हमारा है, क्योंकि भाई रसूल की आमद की खुशी में पूरा महीना भी अगर आप जश्न मनाए तो कम है, इसीलिए आज भी हम जश्न मनाएंगे, हम 17 को भी जश्न इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इसी अज़म के साथ अभी बस हम पैकिंग करते हैं, मैं भी मामा के साथ पैकिंग करवा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ अब टाइम स्लैप। सब देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ कौन कितनी बालूशाही डाल रहा है। मम्मा मैं सब देख रही हूँ। अब नाना आप खुद नहीं खाइएगा, आपको शुगर है। नहीं खाता हूँ। दानीन दानीन आप खाएंगी? दानीन मुझे नाराज है, मैं देखती नहीं, मेरी बच्ची मुझे ही नहीं लिफ्ट कराती। आपको तो मैं पब्लिक में लेके नहीं जाऊंगी बेटा, आप तो यहीं बैठेंगे ठीक है? हाँ अब हम दिलवा रहे मिठाई पे न्याज और हम इसे बांटेंगे। क्या हुआ? रसूलल्लाह के नाम पे बालूशाही बांट रही हो, बिरयानी बिरयानी का है। अरे यार तुम्हें क्या पता है, नहीं है हमारे पास तो दो दो दिन है, 12 रबी अव्वल भी है, 17 रबी अव्वल भी है। आज हम लोग मिठाई बांट देंगे, 17 को हम बिरयानी खिला देंगे। क्या कहते हैं आप, बिरयानी करें या फिर कुछ और नया बांटें, आप बताएं। रहे मुकद्दे हुजूरे हक से सलाम आया, सलाम आया। लगा लो कुछ लगा लो, ये बड़े होके पड़ेगी पड़ेगी इंशाल्लाह। दानी के लिए तैयार हो गए और दानिन को हम घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि दानिन हमारी छोटी और हमें नहीं दिखाना उसके। अम्मी चाची सब तैयार है, बतूल ने आना है। बतूल हेलो, मानो मानो पकड़ लो। बच्चों को दो इधर, वो बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो रश बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। अब सिर्फ और सिर्फ दो रह गई हैं, जो कि मैं आहिला और अली को लिया, मैंने बच्चे बचा के रखी क्योंकि भांजे भांजी हैं, बाकी सब बढ़िया, पता ही नहीं चला। अली आहिला कहाँ हो, कहाँ हो भाई? तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आई हूँ बेटा। मुझे क्या है? क्या है? मीठा लॉलीपॉप है बेटा, मिठाई है। मतलब आज रसूल अल्लाह की विलादत है, सही है, उसकी खुशी में ही हमने मिठाई भेजी है, ठीक है? अब समझ गए आप अब्बा? अली भैया हूँ, ये मिठाई है, खा के तो देखो। मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए बहुत दुआ करेंगे। सो दो बुखार हुआ है, रेड हो रही है मेरी बच्ची पूरी।
अल्लाह ताला इसको जल्दी से शफा दे। कोई नहीं, हम 12 को नहीं मना पाए, हम 17 को मनाएंगे। हमारे पास 17 का भी ऑप्शन है।